डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे सबसे पहले रेजिस्टेंस, उसके बाद रेजिस्टिविटी और उसकी डेफिनेशन फार्मूला एंड यूनिट्स इन एडिशन डायमेंशन और कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस और इनके डेफिनेशन और इनके यूनिट्स एंड डायमेंशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे लेक्चर uh, को आगे बढ़ाने से पहले आई आई विल रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल

के साथ साथ रेजिस्टेंस पैदा होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान हिंड्रेंस पैदा होती है सो so, एक वायर में जब करंट पास होता है जिसकी लेंथ एल हो लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं जिसको यूनिट मीटर होता है और इसका एरिया होता है जिसको यूनिट मीटर स्कीय से डिनोट करते हैं तो इसके अंदर जो रजिस्टेंस ऑफ पार्टिकल या डिस्टेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या रजिस्टेंस ऑफ मालिक्यूल्स या एटम्स तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है जितनी लेंथ ज़्यादा होगी, होगी उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतने उसके अंदर एटम्स या मालिक्यूल्स ज़्यादा रेजिस्ट करेंगे जितनी लेंथ ज़्यादा होगी और रेजिस्टेंस इस चीज़ की यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया की यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्योंकि जितना वाइड होगा एरिया या जितनी वायर होगी वो वाइड होगी जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगी एटम्स या मालिक्यूल को ज़्यादा स्पेस मिलेगी मूव करने के लिए तो कोई रुकावट नहीं होगी इसका मतलब है अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी अगर हम इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करते हैं रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया तो एक रिलेशन बनेगा आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए सो आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर है ये रिलेशन हमने ऊपर वाले दो रिलेशनस को कम्बाइन करके किया है तो सबसे पहले हमने एक वायर ली उसकी लेंथ एल है उसका एरिया ए है इस रिलेशन से ये जाहिर होता है कि रेजिस्टेंस लेंथ के बढ़ने से बढ़ेगी और एरिया के बढ़ने से कम हो जाएगी तो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करने के बाद कांस्टेंट आएगा जिसको रेजिस्टिविटी या रो बोलते हैं ये रो रजिस्टिविटी कहलाती है इसका यूनिट और इसका फार्मूला भी हम फाइंड कर सकते हैं इसी रिलेशन से र, रो या रजिस्टिविटी इज़ इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाई ओवर एल बनेगा क्योंकि इस रिलेशन में जब हमने देखा कि रजिस्टेंस इज़ प्रोपोर्शनल टू एरिया थी तो एरिया मूव करेगा रजिस्टेंस की तरफ तो फार्मूला बनेगा इसका मतलब है रजिस्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है रजिस्टिविटी एरिया पे भी डिपेंड कर रही है लेंथ पे भी और रेजिस्टेंस रजिस्टेंस पे भी इसका मतलब है रजिस्टिविटी एक काफिशंट ऑफ रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस की का कोफिशंट ये शो करेगा कि लेंथ या एरिया बढ़ने से रेजिस्टिविटी ऑफ वायर या किसी कंडक्टर के ऊपर क्या असर पड़ सकता है इसके बाद हम इस रिलेशन को गो थ्रू करेंगे रेजिस्टिविटी इज़ इक्वल टू आर ए ओवर एल इसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे लेंथ ऑफ द वायर तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी इससे यह जाहिर होता है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो रेजिस्टिविटी और राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है लेकिन रेजिस्टिविटी इज़ इनवर्सली प्रपोर्शन टू लेंथ है तो ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं या आपस में इनवर्स रिलेशन के साथ होते हैं तो हमें सबसे पहले इसका यूनिट फाइंड करना है रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा आपके एंड्रे टेस्ट में या बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आस किया जाता है व्हाट इज़ यूनिट ऑफ कॉफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स बहुत सारे इस सेंस में कन्फ्यूज होते हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन आस किया गया कि है रेजिस्टेंस के बारे में बट ही इज़ आस्किंग अबाउट कॉफिशंट ऑफ रेजिस्टेंस so you need to write the unit of resistivity which is a coefficient of resistance तो so हम इसमें से निकालेंगे इसी formula से deduce करेंगे resistivity is equal to ohm into meter so ये एक formula है इस इसका मतलब है coefficient of resistance का unit ohm नहीं है coefficient of resistance का unit ohm meter है यहाँ से हमने ये conclude किया कि resistivity या coefficient of resistance का unit आपस में डिफरेंट है तो now we will मूव टूवर्ड्स कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस के बारे में क्या होगा जैसे जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का एक रिलेशन होता है इसी तरह कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का भी एक रिलेशन होता है इसका मतलब है कि कंडक्टेंस इज़ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस अगर कोई वायर है जिसकी रजिस्टेंस वन ट्वेंटी अहम है तो हम कंडक्टेंस कैसे फाइंड करेंगे कंडक्टेंस विल बी इनवर्स ऑफ 120 और 1 ओवर 120 तो हमारे पास आंसर पॉइंट्स में आएगा जो कि पर ओम होगा क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है और कंडक्टिविटी का यूनिट एम एच ओ हो जाएगा मोह या ओम इनवर्स या साइमन ये ऐसा यूनिट्स हैं मोह और साइमन सो so, आपको ये बात कंसीडर करने चाहिए और नोट no डाउन करने चाहिए कि मोहो और साइमन आर दी एसआई यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस और कॉमन यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज़ पर ओहम या ओहम इनवर्स यहाँ तक हमने ये बात डिस्कस की कि कंडक्टेंस क्या होती है अब हम डिस्कस करेंगे कि कंडक्टिविटी क्या होती है सो कंडक्टिविटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी तो ये फार्मूला ऐसे डिड्यूस करेंगे कंडक्टिविटी इज़ इक्वल टू वन ओवर रजिस्टिविटी सो प्रीवियसली हमने कुछ यूनिट्स डिड्यूस किए थे रेजिस्टिविटी के इसका मतलब है कि हम कंडक्टिविटी के यूनिट्स भी डिड्यूस कर सकते हैं जो कि ओम इंटू मीटर था तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो पर ओम पर मीटर बनेगा या मोहो परमीटर बनेगा ये एक ऐसा फार्मूला है जो कि क्वेश्चन में पेपर में आस किया जा सकता है और पास्ट पेपर में यह आस किया गया है व्हाट इज़ यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी व्हाट इज़ यूनिट ऑफ कंडक्टेंस व्हाट इज़ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस व्हाट इज़ यूनिट ऑफ कॉफिशंट ऑफ रेजिस्टेंस सो दीज फोर यूनिट्स आर वेरी कन्फ्यूजिंग टू द स्टूडेंट्स तो काइंडली इसको नोट डाउन कर लें कि रेजिस्टेंस कॉफिशंट ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस के यूनिट्स क्या क्या होते हैं और इनके यूनिट्स आपस में किस तरह डिफ़र करते हैं ये कंपैरिजन था फोर डेफिनेशंस का अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टिविटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है या हम कॉफिशंट ऑफ रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कैसे फाइंड करते हैं सबसे पहले तो हमने एक वायर ली थी और अभी भी हम एक वायर ड्रा करेंगे उस वायर एट रूम टेम्परेचर के ऊपर या नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर उसके एटम्स और मालिक्यूल्स आपस में इतने अट्रैक्ट या इतने रिपेल नहीं हो रहे होंगे इनकी मूवमेंट नॉर्मल होगी तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इनक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे इनके अंदर मालिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो ज़्यादा होती जाएगी इसका मतलब है कि जो जो पाथ है इलेक्ट्रॉन को गुजरने का पाथ है वो उसके अंदर रुकावट आ जाएगी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो टम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है इसलिए जो वायर्स ज़्यादा हीट अप हो जाती हैं वो डैमेज भी हो जाती हैं इस ड्यू टू तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस की वजह से हीट अप भी होती हैं इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है एज़ कम्पेयर ऑन टेम्परेचर टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी टेम्परेचर के कम होने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी इसलिए हम समर में देखते हैं कि हमारी बहुत सारी वायर्स जल जाती हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन तो ये ड्यू टू टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन होता है और विंटर uh, में हमारे पास कोई भी वायर या इस तरह के कोई केस सामने नहीं आता या बहुत कम केसेज आते हैं ड्यू टू रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कम होगी जीरो डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम रेजिस्टेंस को आर नॉट कंसीडर करेंगे और किसी टेम्परेचर के ऊपर या ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस या फोर्टी डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम टी कंसिडर करेंगे आर टी तो हम एक रेजिस्टेंस या कॉफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हम टेम्परेचर का कॉफिशेंट फाइंड करेंगे जो कि रिलेशनशिप ऑफ रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर और ऑफ या रिलेशनशिप ऑफ रेजिस्टेंस एट सम समेम्परेचर सो हम इसका रिलेशनशिप कैसे फाइंड कर सकते हैं जिसमें रेजिस्टेंस ऑफ एट ज़ीरो डिग्री सेल्सियस एंड रेजिस्टेंस एट सम सम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड सो इसमें एक और फैक्टर भी इंक्लूड होगा जो कि रेजिस्टिविटी है तो हम ये चीज़ फ़ाइंड करेंगे कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है तो सबसे पहले अल्फा ये काफिशंट ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस है तो ये टेम्परेचर को काफिशंट है हम ये फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस सो हमारे पास एक temp, एक फार्मूला बनेगा अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट जो जो कि डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एट समेमपरेचर एंड रेजिस्टेंस एट जीरो डिग्री सेल्सियस ओवर आर नॉट इंटू टू Which is the resistance at 0 degrees Celsius multiplied by temperature. So this is a final expression for the alpha. In addition, we can also calculate the resistivity temperature re relation. It means that the coefficient of temperature with respect to resistivity. So A coefficient of resistance with respect to resistance because alpha is related to resistance, not resistivity. So this is the temperature coefficient of resistance. हम टेम्परेचर कॉफिशंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी इसी फार्मूले के थ्रू या अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट सो एल्फ़ा कैन ऑल्सो बी गिवन दैट एल्फ़ा इज इक्वल टू आर टी और रो टी माइनस रो न इसी तरह टेम्परेचर कॉफिशंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी हम फाइंड करेंगे सो so, uh, अगर हम इसी फार्मूले को देखें जहाँ आ रहा है वहाँ हम उसको रेजिस्टिविटी से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि रजिस्टिविटी भी इन डिड्यूस हुई है रजिस्टेंस के फार्मूले से तो एल्फ़ा इज़ इक्वल टू आर टी माइनस आर नाट या रो टी माइनस रो नाट ओवर रो नाट इन टू टी दिस इज़ ए रजिस्टिविटी एट समेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस एंड रो नाट इज ए रजिस्टिविटी एट ज़ीरो डिग्री सेल्सियस एंड दिस रो नाट इज़ अ रजिस्टिविटी एट जीरो डिग्री सेल्सियस एंड टी इज़ ए टेम्परेचर विच इज़ विच इज़ गिवन और समटाइम इट इज़ अ रूम टेम्परेचर सो वी कैन सी दैट दिस इज़ ए टेम्परेचर कॉफिशेंट ऑफ रजिस्टिविटी सो गाइज इस लेक्चर में हमने रजिस्टेंस और इसका फार्मूला और इसकी डिपेंडेंस ऑन लेंथ एंड एरिया पर डिस्कस किया है और इसके बाद रजिस्टिविटी की डेफिनेशन उसके यूनिट्स और इसके बाद हमने कंडक्टेंस इसके यूनिट्स और कंडक्टिविटी डेफिनेशन एंड यूनिट्स को डिटेल से डिस्कस किया है और उसके बाद हमने एक वायर के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट देखा है टेम्परेचर बढ़ाने से या टेम्परेचर ज़ीरो डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट होगा तो हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे रजिस्टर्स क्या होते हैं और रजिस्टर्स की वैल्यू हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं उनसे ऊपर मोस्टली रजिस्टर्स के ऊपर कलर कोडिंग होती है इवन हर रजिस्टर के ऊपर कलर कोडिंग होती है हम कलर कोडिंग के थ्रू रजिस्टर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और एनालाइज़ करेंगे कि कौन से रजिस्टर्स की वैल्यू वेरी करती है क्योंकि इसके अंदर हम टॉलरेंस का फैक्टर भी इंक्लूड करते हैं ड्यू टू कलर कोडिंग क्योंकि टॉलरेंस के लिए भी एक स्पेसिफिक कलर दिया होता है जो कि सिल्वर या गोल्ड कलर का होता है थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय